आज की क्लास ईवीएस पेडागोजी की, जो क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन पर, उन ईवीएस क्वेश्चन पर बेस जो क्वेश्चन है वो इस क्लास में है। पहला क्वेश्चन है, हिरण ना होने पर क्या होगा? हिरण ना होने पर क्या होगा? घास वृद्धि या घास भोजन की आदत बदलें, या कोई बाघ नहीं है, बाघ घास खाता है? बताएं इसका आंसर। हिरण ना होने पर क्या होगा? तो हिरण ना होने पर घास में वृद्धि होगी, बाघ भोजन की आदत बदलेंगे, कोई बाघ नहीं, बाघ घास खाता है। बताएं इसका आंसर। हिरण न होने पर क्या होगा? तो इससे होगा, हिरण नहीं हो गई तो इससे घास या शाखा में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर की बहुभाषाई सिद्धांत में नहीं है? प्रकृतिवादी, समाज, स्थानिक, पारस्परिक। गार्डनर के बहुभाषाई सिद्धांत में नहीं है। प्रकृतिवादी, समाज, स्थानिक, ये तीनों हैं, लेकिन पारस्परिक ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था लेब वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का पाठ्यपद है सामाजिक अंतःक्रिया का पारस्परिक सिद्धांत। आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन, एक लड़की को स्टील के गैस में आम पन्ना परोसा गया तो उसने उस आदमी से दूसरे गिलास में देने को कहा, जहां उसने शिकायत की कि उसे आम पन्ना कम परोसा गया। लड़की प्याजे की किस अवस्था में है? एक लड़की को स्टील के गैस में आम पन्ना परोसा गया तो उसने उस आदमी से दूसरे गिलास में देने को कहा, जहां उसने शिकायत की उसे आम पन्ना कम परोसा गया। लड़की प्याजे की किस अवस्था से है? तो वह है सेंसरी मोटर प्राइमरी, या तो इसका आंसर है सेंसरी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन, मोटर संवेदी विकास जहां एक बच्चा होंठ और जीभ समन्वय का उपयोग करने में असमर्थ होता है तो उसे कहते हैं डिस्प्रेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। मोटर संवेदी विकार जहां एक बच्चा होंठ और जीभ समन्वय का उपयोग करने में असमर्थ है उसे कहते हैं डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया। उसे कहते हैं डिसग्राफिया। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन होना चाहिए, फॉर्मेटिव, व्यवस्थित। सीखने के लिए आकलन होना चाहिए कैसा? फॉर्मेटिव, व्यवस्थित। तो सीखने के लिए आकलन होना चाहिए व्यावहारिक। अगला क्वेश्चन, किसी समस्या को हल करने से पहले एक लड़की पहले इसी तरह की समस्या को हल करती है, यह कहा जाता है काल्पनिक, विश्लेषणात्मक।
किसी समस्या को हल करने से पहले एक लड़की पहले इसी तरह की समस्या को हल करती है, यह कहा जाता है काल्पनिक विश्लेषणात्मक। किसी समस्या को हल करने से पहले एक लड़की पहले इसी तरह की समस्या को, किसी समस्या को हल करना एक काल्पनिक कहलाता। अगला क्वेश्चन, पहली, मेरी आवाज़ मधुर है, कौआ, गौरैया, कोयल, बताएं इसका। पहली, मेरी आवाज़ मधुर है, तो मधुर मधुर आवाज़ किसकी होती है, कोयल की होती है। अगला क्वेश्चन, सुनना और बोलना है, उत्पादक, ग्रहणशील, सुनना उत्पादक है, पढ़ना ग्रहणशील है, सुनना ग्रहणशील, ये बोलना उत्पादक, बताएं इसका आंसर। सुनना और बोलना एक ग्रहणशील उत्पादक होता है। अगला क्वेश्चन, नेफेंथीज जैसे पौधे कीटों को क्या प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व, मिट्टी, पानी, बताएं इसका आंसर। नेफेंथीज जैसे पौधे कीटों से क्या प्राप्त करते हैं, तो यह कीटों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, ADHD वाले बच्चे में क्या गुण नहीं होता, ध्यान की कमी, आसानी से डाइवर्ट करना, ध्यान केंद्रित करने में सक्षम। ADHD वाले बच्चे में क्या गुण नहीं होता है, तो ADHD वाले बच्चे में गुण नहीं होता है ध्यान केंद्रित करने में सक्षम। अगला क्वेश्चन, स्तनधारी प्राणी कौन सा है, मेंढक, व्हेल, बताएं इसका आंसर। व्हेल मछली है, मेंढक है, ये सरीसृप के अंतर्गत आता है, किसके, सरीसृप। स्तनधारी प्राणी होता है वो व्हेल मछली कहलाती है। अगला क्वेश्चन, किस चिड़िया की आंखें इंसानों को पसंद आती हैं, किस चिड़िया की आंखें इंसानों को पसंद आती हैं, उल्लू, कबूतर, बताएं इसका आंसर। किस चिड़िया की आंखें इंसानों को पसंद आती हैं, तो उल्लू की आंखें पसंद आती हैं। आरटीई में लाभान्वित 10 वर्ष की अनिवार्य, 14 वर्ष तक अनिवार्य और मुफ्त, 6 से 12 वर्ष तक अनिवार्य और मुफ्त, इनमें से कोई नहीं, बताएं इसका आंसर। आरटीई में लाभान्वित जो अभ्यर्थी हैं उनको 6 से 14 वर्ष तक अनिवार्य और मुफ्त या निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, लंगर किस में आता है, मध्यान्ह भोजन, यूनिवर्सल किचन, समर्पित भोजन, बताएं इसका आंसर। लंगर किस में आता है, तो लंगर यूनिवर्सल किचन में आता है। अगला क्वेश्चन, विकास की प्लास्टिसिटी, विकास हमेशा निरंतर होता है, विकास हमेशा असंतत होता है, पोषण विकास को प्रभावित करता है, प्रकृति विकास को प्रभावित नहीं करती, बताएं सर। विकास की प्लास्टिसिटी क्या है, तो यह प्रकृति विकास को प्रभावित नहीं करती। अगला क्वेश्चन, विकास की क्रांतिक अवधि को संदर्भित करता है, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, विकास पर आनुवंशिकता का थोड़ा प्रभाव, विकास की क्रांतिक अवधि को संदर्भित करता है, विकास के दौरान
अपरिवर्तनीय क्षति। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील हिरण की किस प्रजाति का संरक्षण करती है? लोकटक झील चीतल का करती है, किसका? चीतल। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक वर्षा वाला जगह कौन सा है? सामुदायिक वर्षा वाला जगह कौन सा है? चेरापूंजी, मासिनराम। सामुदायिक वर्षा वाला जगह है चेरापूंजी। अगला क्वेश्चन, कौन सी नहीं है? प्रकृतिवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, व्यापक खुफिया, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, स्थानिक होती है, इंस्टा पर्सनल अंता व्यक्तिक होती है, ये तीनों होती हैं, लेकिन व्यापक खुफिया ये नहीं होती। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रमन एक स्कूली लड़का है जो एक खेल खेलने के लिए लड़कों का समूह बनाता है और लड़कियों को अनदेखा करता है। पूछने पर उसने सवाल की जवाब दिया कि यह लड़कों के लिए है। तो लैंगिक समानता है, लैंगिक रूढ़िवादिता है, लैंगिक पूर्वाग्रह है, लैंगिक समानता है, बताएं इसका आंसर। रमन एक स्कूली लड़का है जो एक खेल खेलने के लिए लड़कों का समूह बनाता है और लड़कियों को अनदेखा करता है। तो पूछने पर उसने जवाब दिया यह लड़कों के लिए, यह लैंगिक लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। अगला क्वेश्चन, बिना बोझ की शिक्षा पर सबसे पहले चर्चा की गई NCEP 1993, यशपाल समिति NEP 2020, बताएं इसका आंसर। बिना बोझ के सीखना पर सबसे पहले चर्चा की गई है, यशपाल समिति NCF 2005। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 के तहत निपुण किस बात पर जोर देता है? पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना और अंक ज्ञान। पढ़ना, लिखना, एल्गोरिथम। पढ़ना, सुनना, अंक ज्ञान, बोलना, लिखना, संख्या ज्ञान और एल्गोरिथम, बताएं इसका आंसर। NEP 2020 के तहत निपुण किस बात पर जोर देता है? पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना और अंक ज्ञान। पढ़ना, लिखना, एल्गोरिथम। पढ़ना, सुनना, अंक ज्ञान, बोलना, लिखना, संख्या ज्ञान और एल्गोरिथम। इसका आंसर है पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना और अंक ज्ञान। अंक ज्ञान या फिर बोलना, लिखना, संख्या ज्ञान, एल्गोरिथम, बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बोलना, लिखना, संख्या ज्ञान और एल्गोरिथम। अगला क्वेश्चन, अभिकथन शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों से बचते हैं क्योंकि त्रुटियों का कोई महत्व नहीं होता। त्रुटियां अधिगम में उपयोगी नहीं है, त्रुटियां अधिगम में उपयोगी नहीं है। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों से बचते हैं क्योंकि त्रुटियां का कोई महत्व नहीं होता। पहला सही है, दूसरा गलत। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार स्टील के गिलास में सभी बच्चों को आम का पन्ना देता है, लेकिन सामा दुकानदार से कहती है कि वह उसे आम का पन्ना केवल कांच के गिलास में दे। जब दुकानदार ने उसे कांच के गिलास में आम का पन्ना दिया तो बोली, अंकल आपने मुझे
औरों से कम दिया, इसमें क्या कमी है? उत्क्रमणता, सीरियल संरक्षण, अनुक्रमिक। तो इसमें है संरक्षण। अगला क्वेश्चन, अगर किसी लड़की को दूसरे का नज़रिया समझने में परेशानी हो रही है तो ACC करें, वह अंदर है। अगर किसी लड़की को दूसरे का नज़रिया समझने में परेशानी हो रही है तो ACC करें, पूर्व परिचालन। अगला क्वेश्चन, यदि किसी छात्र को होंठ और जीभ के समन्वय में समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसे हो सकता है डिस्प्रेक्सिया, डिसऑर्थोपिया, डिसकैलकुलिया। बताएं इसका आंसर। यदि किसी छात्र को होंठ और जीभ के समन्वय में समस्या सामना करना पड़ रहा है, इस शारीरिक को ये इसको कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। अगला क्वेश्चन, XQI क्या है? वायु मात्रा सूचकांक, वायु गुणवत्ता सूचकांक। XQI क्या है? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा इसको संशोधन करें, इसको मासिन राम। सर्वाधिक वर्षा मासी राम में होती है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन, तो आज के ये क्वेश्चन थी EBS जो सीटेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्लासों को इस क्लास में लिया गया था। तो एकमात्र संस्थान शिक्षक एवं शिक्षिका बनाने का अनुष्का एकेडमी ग्वालियर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।